हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो UPPCS के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, आज उसमें हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी, लेबर पार्टी की, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायस राय के रूप में भारत आए, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की, सत्ता के हस्तांतरण की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। ये डेट याद रखनी है ज़रूर। स्टेटमेंट, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। कथन, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। ए गलत है, आर सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन उपज था, बाल्कन प्रांत जो था वो किसकी उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। वर्ष 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था डॉक्टर किचलू ने। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की जेबी कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया एस.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी गोपालाचारी, मतलब सी राजगोपालाचारी फुल नेम, चक्रवर्ती लगता है ये सी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद V.V. गिरी। मतलब कि इनके क्रम याद कर लेना प्रेसिडेंट के जहाँ पे भी जिस भी बुक में दे रखे हैं, ठीक है, आ जाते हैं इस तरह से लगाने के लिए।
लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू जे बी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जे बी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जे बी कृपलानी ने। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन है आर कोपलैंड का। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, कहा था के एम पणिक्कर ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे जो है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के वन लाइनर फिनिश होते हैं। ओके, जस्ट रिकॉल इट। बाय।